हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, ठोस अवस्था लेसन हमारा बड़ा ही शानदार चल रहा है और इसके दो पार्ट हम पूरे कर चुके हैं। अब हम 18वें एपिसोड से तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं ठोसों में अपूर्णताएं। क्योंकि अभी तक दो पार्ट के अंदर जो भी हमने ठोस के बारे में पढ़ा है, वो एक आइडियल ठोस, आदर्श ठोस के बारे में पढ़ा है, जिसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन वास्तव में तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी ठोस है, जब उसका निर्माण होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी आ जाएगी, या उसके ताप में दाब में परिवर्तन के कारण कोई ना कोई कमी आ जाएगी। तो जो कमी आ जाएगी ना, उसी को हम कहेंगे ठोसों में अपूर्णताएं। क्या कहेंगे? ठोसों में अपूर्णताएं। चलिए सीखते हैं भाई, ठोसों में अपूर्णताएं शुरू करें बच्चों। देखो, ये जो मैंने क्रिस्टल है, एक इस क्रिस्टल में मैंने एक आदर्श व्यवस्था बनाई है, अभिवी कणों की आदर्श व्यवस्था बनाई है कि ये एक आयनिक क्रिस्टल है जो प्लस माइनस से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर प्लस के बाद माइनस है, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, मतलब माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो मतलब यहां पर एक अभिवी कणों की एक आदर्श व्यवस्था है कि प्लस माइनस से गिरा है, माइनस प्लस से गिरा है, ये एक आदर्श व्यवस्था है। लेकिन बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि ये जो आदर्श व्यवस्था है ये बिगड़ जाए, इसमें अनियमितता आ जाए, इसमें विचलन आ जाए, क्या मतलब है आदर्श व्यवस्था बिगड़ने का? आदर्श व्यवस्था बिगड़ने का मतलब है कि जब ये क्रिस्टल बना तो यहां पर एक प्लस आना चाहिए था, लेकिन यहां पर ये प्लस आए ही ना, यहां पर ये प्लस आए ही ना, ऐसा क्रिस्टल बन जाए, तो ये अब आदर्श व्यवस्था है क्या? नहीं रही बच्चों, अब ये आदर्श व्यवस्था नहीं रही, इसमें विचलन आ गया, इसमें अनियमितता आ गई। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि भाई यहां पर तो प्लस आता, लेकिन एक प्लस यहां पर एक्स्ट्रा ही आ जाता, जिसकी यहां पर इस व्यवस्था में यहां पर नहीं आना चाहिए था कोई प्लस, लेकिन आ जाए, ठीक है, तो भी इस व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था में क्या उत्पन्न हो जाएगी? अनियमितता या विचलन उत्पन्न हो जाएगा। मतलब किसी क्रिस्टल में अभिवी कण जहां आने चाहिए थे वहीं आए, तो आदर्श क्रिस्टल है, लेकिन उस आदर्श व्यवस्था में कोई कण जहां आना चाहिए था वहां आए ही ना, या फिर कोई एक्स्ट्रा ही अभिवी कण आ जाए, तो इस आदर्श व्यवस्था में क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों? इस आदर्श व्यवस्था में विचलन, विचलन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, विचलन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। इसी विचलन या अनियमितता को क्रिस्टल में उत्पन्न दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोष कहा जाता है, डिफेक्ट, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिफेक्ट। तो इस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। पहले तो ये आदर्श था, लेकिन जहां क्रिस्टल आना चाहिए था, जहां अभिविकरण आना चाहिए था, वहां आया ही नहीं, या फिर कोई एक्स्ट्रा ही आ गया, तो क्या आदर्श व्यवस्था में क्या हो गया? विचलन आ गया या अनियमितता आ गई। इसी को हम इस क्रिस्टल का क्या कहते हैं? दोष, या इंग्लिश में बोले तो हम कहते हैं इसको डिफेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? डिफेक्ट, ठीक है। तो ये होगी ठोसों में अपूर्णताएं, मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा ना होकर के कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ जाए। कोई भी पदार्थ होता है ना बच्चों, जैसे मैंने कोई भी पदार्थ होता है, तो वो पदार्थ आपको पता है कि लघु क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? लघु क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस लघु क्रिस्टल के निर्माण की प्रक्रिया को, इस लघु क्रिस्टल निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टलीकरण। इस लघु क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को, निर्माण की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टलीकरण, मतलब क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीकरण। और इस लघु क्रिस्टल का निर्माण जो है वो मंद गति से होता है, या अत्यंत मंद गति से होता है, ठीक है। क्रिस्टलीकरण की दर जो है अत्यंत मंद होती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे ये क्रिस्टल बनाओ ना, तब भी ये आदर्श नहीं बनता, इसमें कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये जो है, इस आदर्श क्रिस्टल में जो है वो क्या हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो कोई कहे कि अत्यंत मंद ना बना करके अगर साधारण गति से बना लो तो दोष उत्पन्न होगा क्या, या तीव्र गति से बना लो तो क्या दोष उत्पन्न होगा क्या? बिल्कुल बच्चों, फिर भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ लघु क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है, और इन लघु क्रिस्टलों में कोई ना कोई दोष होते हैं, चाहे उसको धीरे से गति से बना लो, चाहे साधारण गति से बना लो, चाहे तीव्र गति से बना लो, उनमें कोई ना कोई दोष होगा ही होगा।
ठीक है बच्चों, तो इस जब दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो वो उसी को अपने कहते हैं कि ठोसों में अपूर्णताएं। अब इस दोष की परिभाषा अगर मैं लिखना चाहूं कि आदर्श क्रिस्टल में उत्पन्न दोष की परिभाषा क्या है, दोष की परिभाषा या डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, तो आपको अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे कि किसी किसी क्रिस्टल किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था में, आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न उत्पन्न अनियमितता अनियमितता या विचलन को दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोष कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये लो आपके पास आज के टॉपिक की पहली परिभाषा आ गई है कि दोष किसे कहा जाता है, कि किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता या विचलन को दोष कहा जाता है। अनियमितता या विचलन का मतलब क्या है कि कोई अभिविकरण जहां आना चाहिए था वहां आए ही ना, या फिर कहीं एक्स्ट्रा ही आ जाए तो उससे जो है विचलन उत्पन्न हो जाता है, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। फिर ये बात आती है कि ये दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं दोष। एक होता है बच्चों रेखीय दोष, जिसको हम पंक्ति दोष भी कहते हैं, पंक्ति दोष भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास बिंदु दोष। क्या कहते हैं? बिंदु दोष, या फिर इसको कहते हैं इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो दो प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए बच्चों, इतना एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे करवाता हूं कि ये पंक्ति दोष क्या है, ये बिंदु दोष क्या है। चलिए अब अपने बात करते हैं पंक्ति दोष और बिंदु दोष की। ठीक है, ये मैं कर देता हूं साफ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखें, ये पूरी की पूरी पिक्चर बन जाएगी आपके पास, एक पूरी की पूरी फिल्म बन जाएगी जैसे ये टॉपिक हमारा पूरा होगा। चलिए देखो क्या होगा कि अब जो अपने पास दो प्रकार के दोष हो गए, एक तो कौन सा दोष मैंने बताया, बिंदु दोष, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। देखो बिंदु दोष क्या होता है बच्चों, बिंदु दोष होता है कि किसी अवयवी क्रिस्टल में, क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में किसी एक बिंदु, जालक बिंदु या अवयवी कण, मतलब इस एक जालक बिंदु या अवयवी कण में उत्पन्न अनियमितता या विचलन को बिंदु दोष कहा जाता है। मतलब एक अवयवी कण या एक इस एक अवयवी कण की इस जगह को एक जालक बिंदु कहता हूं ना, शुरू में चैप्टर में शुरू में मैंने बताया था कि ये हर एक जालक बिंदु है जहां पर एक अवयवी कण उपस्थित है। अगर इस एक जालक बिंदु या एक अवयवी कण के कारण जो अनियमितता या विचलन उत्पन्न होता है उसको तो हम कहते हैं बिंदु दोष। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या, किसी क्रिस्टल की, किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में, आदर्श व्यवस्था से उसके उसके एक जालक बिंदु या अवयवी कण के चारों ओर उत्पन्न अनियमितता अनियमितता या विचलन को क्या कहा जाता है, विचलन को बिंदु दोष कहा जाता है, बिंदु दोष कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये जो एक कण है, इस एक कण की में कोई विचलन आ जाए, अनियमित आ जाए, मतलब ये कण ना आए, यहां कण इसके चारों तरफ, मतलब यहां पर कण एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है, तो इससे जो उत्पन्न दोष है उसको अपने बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, अभी एक बार मैं पंक्ति दोष की परिभाषा लिख दूंगा तो ये बात और आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरे प्रकार का दोष है जिसको अपने क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं, या फिर हम इसको पंक्ति दोष भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको लाइन डिफेक्ट भी कहते हैं, लाइन डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि किसी आदर्श क्रिस्टल में, अब किसी आदर्श क्रिस्टल में
एक अभिविकर्ण के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको तो अपने बिंदु दोष कहेंगे, लेकिन पूरी की पूरी पंक्ति, ये पूरी की पूरी पंक्ति गायब हो जाए, पूरी की पूरी पंक्ति कहीं एक्स्ट्रा आ जाए, तो मतलब इस पूरी पंक्ति के कारण जो उत्पन्न दोष होगा उसको हम पंक्ति दोष या इस पूरी रेखा के कारण उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यही वाली परिभाषा है, बस अविविकर्ण की जगह क्या लिखोगे, पंक्ति, अविविकर्णों की पंक्ति। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था से उसके अव्यवीकरणों की एक पंक्ति में अनियमितता या विचलन के कारण उत्पन्न दोष को पंक्ति दोष या रेखीय दोष कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने ये अब तक की तीन परिभाषाएं आप पढ़ ली। पहली क्या पढ़ी कि किसी आदर्श क्रिस्टल में, मतलब किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता या विचलन को दोष कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक बिंदु दोष एक रेखीय दोष। बिंदु दोष मतलब किसी एक कण के कारण उत्पन्न दोष, आदर्श व्यवस्था से एक कण के में अनियमितता या विचलन के कारण उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं, और अविविकणों की पूरी पंक्ति में अनियमितता या विचलन के कारण उत्पन्न दोष को पंक्ति दोष या रेखीय दोष कहते हैं। तो इसका मतलब है अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई जो आपको परेशान करे, बिल्कुल आसान सी बात है, एक कण के कारण बिंदु दोष, एक रेखा के कारण रेखीय दोष। यह बात तो आपको बोलनी है कि आदर्श व्यवस्था में विचलन या अनियमितता, विचलन या अनियमितता बिंदु में आए, एक कण में आए तो बिंदु दोष, एक पंक्ति में आए तो पंक्ति दोष। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह बात होगी आपकी दो प्रकार के दोष की। लेकिन स्टार डालकर के बात समझना है कि हमारे सिलेबस में हमने जो है सिर्फ बिंदु दोष को पढ़ना है, रेखीय दोष जो है हमारे सिलेबस में आगे नहीं है। ये परिभाषा तो आनी चाहिए लेकिन इसके आगे प्रकार या इसके आगे और सारी डिटेल नहीं है, बिंदु दोष की सारी डिटेल हमें आगे पढ़नी है। चलिए बच्चों, इसका एक ले लें स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं हम आगे कि दोष, बिंदु दोष जो है कितने प्रकार के होते हैं। चलिए साफ कर रहा हूं मैं, ये लो देखें, अब अपने बात कर रहे हैं बच्चों कि बिंदु दोष के प्रकार, बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। ये लो देखें, बिंदु दोष के प्रकार, हेडिंग डाल रहा हूं मैं, बिंदु दोष के प्रकार। ठीक है बच्चों, ध्यान देना कि ये जो बिंदु दोष है ना, ये बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार, एक दो और एक है हमारे पास तीन, कि ये बिंदु दोष जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, इसको ना हम रस समीकरण मितीय दोष भी कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास अशुद्धता दोष। अब जो तीसरा पार्ट मतलब ठोस अवस्था लेसन का जो तीसरा भाग है, इसके अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़नी है। ये जो मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, ये जो चार्ट बनाऊंगा, ये पूरा का पूरा चार्ट की डिटेल हमने पढ़नी है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? अशुद्धता दोष। और तीसरा है हमारे पास, ये स्टोकियोमेट्रिक था, ये है नॉन स्टोकियोमेट्रिक। क्या है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष है, इसको हम अरस समीकरण मितीय दोष भी कहते हैं। इस नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष को हम अरस समीकरण मितीय
अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। देखो ये शब्द ओके है लेकिन बातें बड़ी आसान है। चलिए तो आपने पहले तो एक बात सीख ली कि बिंदु दोष जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। मेरे साथ साथ बोलेंगे क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि अगर आपने बोल करके नहीं देखे तो आप लिखना भी आपको मुश्किल होगा। ठीक है, एक है स्टॉक्योमेट्रिक दोष, एक है अशुद्धता दोष और एक है नॉन स्टॉक्योमेट्रिक दोष। इसको अरस समीकरण मितीय कहते हैं, इसको रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बारी आती है कि ये जो स्टॉक्योमेट्रिक दोष है, इस स्टॉक्योमेट्रिक दोष का मतलब क्या है। इस स्टॉक्योमेट्रिक दोष के अंदर बच्चों चाहे कुछ भी हो जाए, इस स्टॉक्योमेट्रिक दोष के अंदर धनायन धनायन व ऋणायन का अनुपात नहीं बदलता, धनायन व ऋणायन का अनुपात अनुपात नहीं बदलता, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी आप ये समझ लें कि स्टॉकियोमेट्रिक दोष में चाहे कोई क्रिस्टल एक्स्ट्रा आ जाए, चाहे कोई इससे बाहर चला जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन इनका अनुपात नहीं बदलता। धनायन और ऋणायन का अनुपात जो आदर्श व्यवस्था में होता है वही रहता है, दोष उत्पन्न होने के बाद भी वही अनुपात रहता है, अनुपात नहीं बदलता। लेकिन जो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक दोष होते हैं ना, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक दोष के अंदर धनायन व ऋणायन का अनुपात जो है बच्चों, धनायन व ऋणायन का अनुपात जो है वो बदल जाता है, अनुपात जो है वो क्या हो जाता है बच्चों, बदल जाता है। ठीक है, तो उसको अपने नॉन स्टॉकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। चलिए अब बात आती है अशुद्धता दोष क्या होता है। अशुद्धि मिलाने के कारण उत्पन्न दोष, अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों के अंदर एक चीज आप ध्यान रखना बच्चों, चाहे कोई प्लस एक्स्ट्रा अंदर आ जाए, चाहे कोई प्लस बाहर चला जाए, चाहे कोई माइनस एक्स्ट्रा आ जाए, चाहे कोई माइनस बाहर चला जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन क्रिस्टल में आवेश जो है प्लस और माइनस आवेश बराबर रहेगा। धनायन और ऋणायन की संख्या बदल सकती है लेकिन धनावेश और ऋणावेश जो है वो हमेशा समान रहेगा, मतलब क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, क्रिस्टल क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में ना भी आए तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन ये लाइन आपको यहां भी लिखनी है कि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, यहां भी लिखनी है कि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, विद्युत उदासीनता बने रहने और धनायन और ऋणायन का अनुपात समान रहने में दोनों बातों में अलग 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 बातें हैं। मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखो इधर देखो कि ये मैंने लिखा एन ए प्लस और सी एल माइनस, फिर लिखा सी एल माइनस एन ए प्लस। ठीक है, फिर लिखा मैंने एन ए प्लस और फिर मैंने लिखा सी एल माइनस। ये कोई क्रिस्टल था। अब इस क्रिस्टल में क्या हो जाए कि अगर एक एन ए प्लस निकल जाएगा, ठीक है, और अब क्या हो जाएगा कि भाई एक अगर एन ए प्लस निकल गया, ठीक है, तो उस एन ए प्लस के निकल जाने से क्या हो रहा है कि इसका आवेश जो है वो असमान हो रहा है, कि प्लस तो दो ही बच रहे हैं और माइनस कितने हो रहे हैं, तीन। माइनस कितने हो रहे हैं, तीन। ये जब ऐसा हो जाएगा तो पूरे के पूरे क्रिस्टल के ऊपर कितना आवेश बच जाएगा, इस पूरे के क्रिस्टल के ऊपर एक माइनस आवेश बच जाएगा, क्योंकि एक प्लस कम हो गया ना, तीन माइनस है और दो प्लस है तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन या ऐसा कभी हो कि मान लो ये एन ए प्लस यही हो और एक एन ए प्लस और एक्स्ट्रा आ जाए तो यहां पर प्लस आवेश आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहां पर इस पूरे क्रिस्टल के ऊपर ना तो कभी प्लस आएगा ना माइनस आएगा, ये हमेशा उदासीन ही रहेगा। इसको हम कहते हैं कि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। मतलब अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग हो गया कि यार ये कैसे होगा, कोई प्लस बाहर निकलेगा तो यहां पर एक जो है माइनस तो एक्स्ट्रा हो ही जाना चाहिए ना, कोई माइनस एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा तो प्लस तो एक्स्ट्रा हो ही जाएगा ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसको हम बैलेंस करेंगे, देखना कैसे करेंगे, यही तो हमारे इस फिल्म का जो है वो सस्पेंस हो जाएगा, एक बढ़िया बात हो जाएगी जो हमने सीखनी होगी। ठीक है, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तीसरा
तीनों में ही विद्युत उदासीनता कभी भी खत्म नहीं होती। यहां पर दिनायन और एनायन का अनुपात नहीं बदलता, मतलब अगर Na प्लस और Cl माइनस का अनुपात 1:1 है तो 1+ और 1 Cl माइनस के निकल जाने के बाद भी इसका अनुपात 1:1 ही रहेगा। लेकिन यहां पर जो है अनुपात, पहले अगर 1:1 है तो बाद में वो 1:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, मतलब अनुपात बदल जाएगा। ठीक है, तो आवेश तो है माइनस, ये माइनस तो है आवेश, और Cl माइनस की बात करेंगे तो ये है ऋणायन, ये क्या है ऋणायन। तो इसलिए धनायन और ऋणायन का अनुपात यहां पर नहीं बदलता, यहां बदल जाता है लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता तीनों में ही बनी रहती है। इस बात को अगर अभी मतलब आपको क्लियर पूरी बात ना समझ में आए तो कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है इसके बाद देखेंगे बच्चों कि जो स्टोइकोमेट्रिक दोष है ना, ये फिर दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है क्या, एक तो अनआयनिक यौगिकों में, अनआयनिक यौगिकों में स्टोइकोमेट्रिक दोष, और एक है आयनिक यौगिकों में स्टोइकोमेट्रिक दोष, आयनिक यौगिकों में स्टोइकोमेट्रिक दोष। अनआयनिक यौगिकों में ये फिर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हमारे पास रिक्तिका दोष, क्या होता है रिक्तिका दोष, और एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है अंतराकाशी दोष, क्या होता है बच्चों अंतराकाशी दोष। ठीक है, और जो आयनिक यौगिकों होता है वो भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है हमारे पास कि आयनिक यौगिकों में होता है, एक तो होता है शॉटकी दोष, शॉटकी ये मैंने लिखा है शॉटकी, और ये होता है फ्रेंकल, क्या होता है फ्रेंकल दोष, शॉटकी और फ्रेंकल दोष, ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टोइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है, अनआयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में, अनआयनिक यौगिकों में रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष होता है, और आयनिक यौगिकों में शॉटकी और फ्रेंकल दोष होता है। ठीक है, ये दो बातें जो मैंने लिखी है ये हर बार लिखनी होंगी, लेकिन इसका ये मतलब क्या है वो मैं ये दोनों समझाऊंगा तब आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, अशुद्धता दोष का कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष में मैंने कहा क्या कहा है कि धनायन और ऋणायन का अनुपात बदल जाता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष किसको कहते हैं, जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात बदल जाता है। तो धनायन को, धनायन और ऋणायन का अनुपात बदल जाने का मतलब क्या हुआ कि या तो धनायन ज्यादा हो सकता है या धनायन कम हो सकता है, या तो धनायन क्या हो जाएगा ज्यादा, या धनायन का अनुपात बदल जाने का मतलब या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास धातु आधिक्य दोष, अरे धातु का मतलब क्या है धनायन, धातु का मतलब क्या है धनायन पॉजिटिव, ठीक है प्लस जो होगा धातु आधिक्य दोष, आधिक्य दोष, अरे अनुपात बदल जाने का मतलब क्या हुआ कि या तो धनायन ज्यादा हो सकता है इसको हम कह रहे हैं धातु आधिक्य दोष, या फिर धनायन कम हो सकता है इसको हम कह रहे हैं धातु न्यूनता दोष। क्या कह रहे हैं धातु, धातु का मतलब पॉजिटिव, न्यूनता, न्यूनता दोष, ठीक है धातु न्यूनता दोष। चलिए अब एक चीज आप देखें कि यहां पर एक क्रिस्टल में इसको समझाने के लिए बना रहा हूं, इधर देखें कि ये मेरे पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है। ठीक है, अब धातु आधिक्य कब हो सकता है, धातु आधिक्य कब हो सकता है, धातु आधिक्य तब हो सकता है जब यहां से माइनस निकल जाए और यहां पर खाली जगह बच जाए। ठीक है, तो अब प्लस कितने हो गए 3 और माइनस कितने बच गए 2, तो धातु अधिक होगी प्लस अधिक होगी। ठीक है, तो जो मैंने कहा है धातु आधिक्य दोष में, ऊपर वाली बात समझे पहले, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष किसको कहते हैं जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात बदल जाता है, उसी को तो कहते हैं। अब बदल जाने का मतलब या तो प्लस ज्यादा हो जाएगा या प्लस कम हो जाएगा। अब प्लस ज्यादा कब हो सकता है ये समझे, प्लस तब ज्यादा हो सकता है जब माइनस यहां से निकल जाए, माइनस निकल जाए वहां पर खाली जगह बच जाए। ठीक है, तो प्लस अब 3 बच गए माइनस 2 ही है, तो इसका मतलब है धातु आधिक्य इससे हो सकता है, ये धातु आधिक्य एक तो इस कारण से हो सकता है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, ऋणायनिक, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, इसका मतलब क्या है कि यहां से ऋणायन निकल जाए। ठीक है, तो वहां पर खाली जगह बच गई, उसको मैं क्या कह रहा हूं ऋणायनिक रिक्तिका, तो ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष हो सकता है।
या फिर ऐसा हो सकता है कि ये माइनस यहां पर पड़ा रहता और एक प्लस एक्स्ट्रा यहां पर अंतराकाशीय स्थानों में बीच में आ जाता कहीं। तो अब प्लस कितने हो गए, एक दो तीन चार, माइनस कितने, एक दो तीन, अब प्लस ज्यादा हो गए, ठीक है, धातु अधिक हो गया, तो इसका मतलब है अतिरिक्त धनायन के कारण, अतिरिक्त अतिरिक्त धनायन के कारण भी धातु अधिक हो सकता है, या माइनस कम हो जाए तब भी धातु अधिक हो सकता है। तो इसको ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु अधिक दोष या अतिरिक्त धनायन के कारण धातु अधिक दोष हम समझ सकते हैं। ये लो मैं यहां पर बना लेता हूं, ये देखो ये मैंने बना लिया कि भाई यहां पर था प्लस, फिर था, इसको पूरा कर लेता हूं, देखो ये था प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये था, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पर ये माइनस ना आता तो ये खाली जगह रह जाती, तो ऋणायनिक रिक्तिका होगी। अब इस ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धनायन ज्यादा हो गए तो ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु अधिक दोष हो गया। अब दूसरा अतिरिक्त धनायन के कारण, तो अतिरिक्त धनायन वाला भी हम बना लेते हैं। अतिरिक्त धनायन वाले में ये देखो कि यू मैंने बना लिया यहां पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और एक प्लस एक्स्ट्रा ही आ जाए, ठीक है। तो अतिरिक्त धनायन के कारण धातु अधिक दोष, यहां पर ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु अधिक दोष, ठीक है। चलिए अब ये जो धातु न्यूनता दोष है ये भी दो प्रकार का हो जाएगा बच्चों। धातु न्यूनता दोष भी कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा, अब आपको धातु को कम करना है, यहां पर धातु बढ़ानी थी, यहां पर धातु को कम करना है। धातु को कम कैसे कर सकते हैं, एक तो धनायनिक रिक्तिका के कारण, धनायनिक रिक्तिका के कारण, या फिर दूसरा है अतिरिक्त ऋणायन के कारण, अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष। इसका मतलब क्या हुआ कि धातु न्यूनता मतलब धातु को कम करना है। अब धातु कम कैसे हो सकती है बच्चों, धातु ऐसे कम हो सकती है कि यहां पर क्या हो कि यहां पर देखें कि ऐसा हो जाए, ये क्रिस्टल था, इसके अंदर कण जो पाए जा रहे थे वो यूं पाए जा रहे थे कि प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये था। लेकिन यहां पर धनायन हो ही ना तो धनायन की खाली जगह रहेगी, इसको मैं क्या कह रहा हूं, धनायनिक रिक्तिका। तो इस धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष हो सकती है। देखो धातु कम होगी, प्लस एक ही है, माइनस दो रहेगी, ठीक है। तो धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष हो सकता है, या फिर ऐसा हो जाए कि मैंने यूं बना लिया यहां पर, ये लो धनायन मैंने कम करना है। अब धनायन कैसे कम हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि यहां पर हो जाता प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा इसमें आ जाता कहीं से, एक माइनस इसमें एक्स्ट्रा आ जाता। तो अब माइनस कितने हो गए, एक दो तीन, प्लस कितने हैं, दो। तो अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। इस बात को जो मैंने साइड में समझाई है इसको आपको बढ़िया से समझने की कोशिश करनी है। देखें अब मैं पूरी बात एक बार दोबारा बोल रहा हूं कि बिंदु दोष दो पर तीन प्रकार के होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। स्टोकियोमेट्रिक दोष तो वो होता है जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात नहीं बदलता लेकिन विद्युत उदासीनता बनी रहती है। अशुद्धता दोष अशुद्धि मिलाने के कारण उत्पन्न होता है, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष में धनायन और ऋणायन का अनुपात बदल जाता है लेकिन विद्युत उदासीनता इसमें भी बनी रहती है, विद्युत उदासीनता इसमें भी बनी रहती है। चलिए अब बारी है कि भाई जो आपके पास स्टोकियोमेट्रिक दोष है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अनायनिक यौगिकों में एक आयनिक यौगिकों में। अनायनिक यौगिकों में रिक्तिका और अंतराकाशीय दोष होता है, अनायनिक यौगिकों में क्या होता है, रिक्तिका और अंतराकाशीय दोष होता है, और आयनिक यौगिकों में शॉटकी और फ्रेंकल दोष होता है, ठीक है। और जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष होता है उसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात बदल जाता है। अब बदल जाता है तो धनायन या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। धनायन ज्यादा कैसे हो सकता है, ज्यादा हो सकता है कि या तो ऋणायनिक ऋणायन की जगह खाली रह जाए, जिसको अपने कहते हैं ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु अधिक दोष, या फिर धनायन जो है वो एक्स्ट्रा आ जाए तो अतिरिक्त धनायन के कारण धातु अधिक दोष, क्लियर। और धातु न्यूनता दोष, दूसरा धातु न्यूनता कैसे हो सकती है कि धनायन आए नहीं तो उसको अपने कह देंगे धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष, या फिर अतिरिक्त ऋणायन आ जाए एक्स्ट्रा माइनस आ जाए तो उसको अपने कहेंगे अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष, ठीक है बच्चों। तो अब अपने को आगे के एपिसोड में, एपिसोड नंबर 19 में, एक में हमने ये पूरा करना है,
एक पे हमने ये पूरा करना है और एक पे हमने ये पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो तीन एपिसोड में ये पूरी क्लास और तीन एपिसोड आएंगे तो ये पूरी क्लास खत्म होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे, गुड लक, गुड बाय। इस चार्ट को सुंदर सा बना करके, चार्ट को सुंदर सा बना करके और मुझे जो है वो व्हाट्सएप करेंगे, जिसका चार्ट सबसे सुंदर होगा उसको मैं फेसबुक पेज, जो केमिस्ट्री विद तेजू सर का जो पेज है उस पर जो है मैं अपलोड करूंगा उसको, और जिस बच्चे का सबसे सुंदर होगा उस बच्चे का नाम लिख करके मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन ये बच्चा चार्ट बना करके मुझे सुंदर सा भेजता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, गुड बाय।